अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू manufacturing.pk। तो आज हम बनाएंगे प्रोजेक्ट नंबर 7। ये प्रोजेक्ट नंबर 7 की ड्राफ्टिंग है, तो इसको देख लेते हैं। सबसे पहले ये आ गया यहाँ पर आइसोमेट्रिक व्यू, इसका फ्रंट व्यू आ गया और ये सेक्शन व्यू और टॉप व्यू। इसके अंदर से सबसे पहले हम बनाएंगे इसका बेस, जो कि यहाँ पर होगी इसकी डायमेंशन। यहाँ पर देखें, अब ड्राफ्ट लगा हुआ है, एक है 66 mm का डाया और एक है 70 mm का डाया, 4 mm का ड्राफ्ट और 70 कटआउट का डाया आ गया 56 mm। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम इसकी डायमेंशंस, जो कि ये वाला हिस्सा है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इसकी डायमेंशन है 74 mm। तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉलिड वर्क्स पार्ट मॉडलिंग न्यू एंड देन आ मिरर प्लेन स्केच फ्रंट व्यू। अब यहाँ पर बनाते हैं इसका स्केच, ड्रॉ कर लेता हूँ मैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँगा, इसकी डायमेंशन यहाँ पर आएगी सबसे पहले 66 mm का डाया, डायमेंशन इस पॉइंट से यहाँ तक 66/2 mm। ओके, अब यहाँ से जो डाया आएगा मेरा वो आएगा यहाँ पर 70 mm का, 70 mm/2 mm। ओके, अच्छा जी, तो इसकी यहाँ पर आएगी लेंथ, इसकी देख लेते हैं कितनी है। सबसे पहले एक सेंटर से आ रही है, सेंटर तक ये 25 mm है, ये यहाँ पर 14 mm इसकी लेंथ है। तो इसकी लेंथ भी मैं डिफाइन कर देता हूँ, यहाँ पर आएगी इसकी लेंथ 14 mm। ओके, 14 mm इसकी लेंथ आ गई। अब हम ये वाला डाया बनाते हैं जिसकी लेंथ होगी 40, इसकी भी लेंथ आएगी यहाँ से लेके यहाँ तक 22 mm इसकी लेंथ है और इसका जो डाया होगा वो 74 mm है। तो इसके लिए लेंथ आएगी इसकी 22 mm, यहाँ से 22 mm आएगी इसकी लेंथ। और अब आएगा इसका डायमीटर, इसका डायमीटर है 74/2। ओके, अच्छा जी, तो ये यहाँ तक हो गया। अब आते हैं इसके ऊपर, जो कि है इसकी यहाँ से लेके बॉटम से लेके यहाँ तक इसकी लेंथ आएगी 40 mm। 40 mm में से हम 40 - 14 mm - 22 mm, यहाँ पे जो डिस्टेंस इसका 4 mm की ये लेंथ आएगी इसकी। और इसका डायमीटर देख लेते हैं हम, इसका डायमीटर दिया हुआ है 64 mm, आई थिंक 64 mm है, 64 mm का इसका डाया है। तो इसको भी बनाते हैं, अगेन ड्रो अ लाइन एंड देन आ सबसे पहले इसका डायमीटर 64/2 mm और इसकी जो लेंथ भी वैसी ही आ जाएगी। ओके, अब इसकी लेंथ यहाँ पे 4 mm। ओके, अब ये जो बड़ा वाला डाया है इसकी है 90 mm का ये डाया है और 7 mm इसकी थिकनेस है।
सॉरी, इसको डिफाइन करते हैं डायमीटर 90 mm, 90 divided by 2 mm, ओके, और इसकी थिकनेस आ गई 7 mm। अच्छा जी, अब इस वो यहाँ से डिफाइन करते हैं, टोटल जो लेंथ है इसकी 154 mm है, और अब ऊपर से देख लेते हैं इसकी जो बाहर वाला डाया है वो 50 mm का डाया है, और यहाँ तक है बॉटम तक इसकी आ जाएगी 35 लेंथ आ जाएगी, 50 mm की डाय की लेंथ आएगी यहाँ पर, 28 यहाँ तक है बॉटम तक, जिसके अंदर जो 4 mm हम थिकनेस हटा दें तो 24 mm इसकी लेंथ बनती है। तो इसको भी बनाते हैं ऊपर से, इसको हम यहाँ से बनाते हैं सबसे पहले, इसका डायमीटर सेट करते हैं 50 25 mm आ जाएगा हाफ, एंड देन अ लेंथ इज 24 mm, ओके। अच्छा जी, और इस वाले डाय का जो कटआउट का है वो है 46 mm का डाया है, और 4 mm इसकी थिकनेस है। यहाँ पर आएगा 46 divided by 2 mm, और इसकी लेंथ आ जाएगी 4 mm। फोर एम एम इसकी लेंथ आ गई। अच्छा जी, यहाँ पर लगा हुआ है 12 mm का रेडियस, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा 12 mm इधर और 12 mm बॉटम तक। अब यहाँ पर जाऊँगा मैं 12 mm इधर जाऊँगा मैं और 12 mm इधर, 12 by 12 mm, ओके। और हम इसको यहाँ से क्लोज आउट कर देते हैं। और उसके बाद इसकी टोटल लेंथ डिफाइन करनी है। सबसे पहले स्केच को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ से, अब इसकी मैं टोटल लेंथ डिफाइन कर दूँ यहाँ से, इसकी टोटल लेंथ आ जाएगी 154 mm, 154 mm इसकी आ जाएगी लेंथ, ये देखिए। और इसको मैं सेंटर करने के लिए 154 divided by 2 mm, ओके हो गया यहाँ तक फीच। अब यहाँ पर लगाएंगे सेंटर लाइन, फीचर्स में जाके रिवोल्ट बॉस, ओके। ये देखिए, ये हो गया हमारा स्केच रेडी। अब यहाँ पर लगाते हैं फिलेट, रेडियस के लिए फिलेट में जाके डायमेंशन इसकी 12 mm की थी, 12 mm डायमेंशन डाले और यहाँ पर हमने रेडियस लगा दिया, ओके। सॉरी, 12 mm हमने यहाँ पर रेडियस लगा दिया इसका। अब हम बनाते हैं इसके कटआउट, जो कि है यहाँ पर एक है 56 mm का कटआउट यहाँ तक है, और सबसे पहले हम ये ऊपर वाला बनाते हैं ड्राफ्टेड वाला, जिसकी लेंथ है 12 mm, और जो ड्राफ्टेड
ड्राफ्ट है, एक मेन जो डाया है वो 44 mm है और ड्राफ्टेड पे जाएगा 38 mm। तो इसको बनाते हैं, सबसे पहले अगेंस्ट स्केच में जाएंगे और फ्रंट व्यू से इसको बनाते हैं। इसी तरह मैं ड्राफ्टेड एंगल में लाइन ड्रॉ करूँगा और इसके बाद इसकी डायमेंशन, यहाँ पे ड्राफ्टेड वाला आएगा तो यहाँ पर इसकी जो डायमीटर था 38 mm डिवाइडेड बाय 2 mm, और नेक्स्ट जो डाया था 44 mm है। ओके, और इसकी जो लेंथ है वो 12 mm आएगी, 12 mm इसकी लेंथ आ गई। ओके, अब इस स्केच को क्लोज करते हैं। ट्रिम, और स्केच सेंटर लाइन, इनफिनिट लेंथ। ओके, फीचर्स रिवॉल्व कट। ओके, ये देखिए ये कटआउट लग गया हमारा। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया। अब हम बनाते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि है हमारा 44 mm के डाया कटा हुआ है, यहाँ 38 mm तक है, ये एक 38 mm का डाया है और हमारा जो आएगा नीचे वाला डाया 56 mm का कटआउट डाया। तो इस सबसे पहले हम 56 वाले बनाते हैं डाया स्केच फ्रंट व्यू और बॉटम से। इसका डायमीटर आएगा 56 डिवाइडेड बाय 2 mm। ओके, और इसकी जो लेंथ जाएगी यहाँ तक, तो यहाँ तक लेंथ लगा ले हैं 35, आप निकाल दें यहाँ से 154 में से कैलकुलेटर, 154 माइनस बाय 35 mm, 119 इसकी लेंथ आ जाएगी। ओके, अब इस स्केच को क्लोज करते हैं। ओके, और सेंटर लाइन के लिए इनफिनिट लेंथ। ओके ओके, फीचर्स एक्स सॉरी फीचर्स रिवॉल्व कट। ओके, ये हमारा कट गया कटआउट। अगेन स्केच, यहाँ पर मैं डायमीटर बनाऊंगा 38 mm का, 38 डिवाइडेड बाय 2 mm, फीचर्स एक्स रूट कट, और ये चला जाएगा यहाँ पर थ्रो ऑल। ये देखिए ये हो गया हमारा कटआउट रेडी, Ctrl+7 आइसोमेट्रिक व्यू। अच्छा जी, ये तो हो गया हमारा ऑलमोस्ट फ्रेम रेडी। अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कुछ और फीचर्स हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर आपको यहाँ पर दिख रहा है कटआउट लगा हुआ है एक, और यहाँ पर ये आपको इसकी डायमेंशन बता रहे हैं सेंटर से 16 mm के डिस्टेंस पे, यहाँ से कटआउट हमारा स्टार्ट होगा।
तो इसके लिए मैं राइट प्लेन का ही यूज़ करता हूँ। एक मैं प्लेन बनाऊँगा, प्लेन सेंटर में है, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, और इस प्लेन को मैं 16 mm के डिस्टेंस पे रखूँगा। ओके, और इसी पे मैं स्केच करूँगा। इसकी डायमेंशन देख लेते हैं, 55 mm का रेक्टेंगल आ गया यहाँ पर, 55 by 55। ये देखिए 55 by 55 स्क्वायर, सेंटर से यहाँ से लेके 55 by 55 का स्क्वायर बनेगा। सेंटर यहाँ से टेंजेंट होगा ये। ओके, डायमेंशन आ जाएगी 55। फिफ्टी फाइव एम एम। ओके, 55 mm हम यहाँ से करते हैं। सबसे पहले मैं इसको इस लाइन के साथ टेंजेंट कर देता हूँ। ओके, अब मैं इसकी डायमेंशन डालता हूँ यहाँ पर 55 mm। सॉरी, कॉर्नर रेक्टेंगल ले लेते हैं। ओके, 55 mm, 55 by 55 mm, इसको सेंटर कर देता हूँ मैं, 55 divided by 2 mm। ओके, हो गया। फीचर्स एक्सट्रूड कट, और ये पूरा थ्रो ऑल। ओके, ये कटआउट लग गया यहाँ पर। हमारा ये कटआउट भी बन गया। अब यहाँ पर जो दिखा रहा है 5 mm के रेडियस दिखा रहा है 4 edges पे, तो इसको भी लगाते हैं। फिलेट फीचर्स फिलेट, और इसकी डायमेंशन आएगी 5 mm। सबसे पहले यहाँ पर 1 edge, 2 एंड 3rd one इज एंड 4th। ओके, ये आगे हमारे 4 edges, और यहाँ पर दिखा रहा है 5 mm के यहाँ पर भी रेडियस हैं इस कटआउट के अंदर। तो एडिट फीचर्स अगेन, यहाँ पर जाएंगे 5 mm यहाँ पर। ओके, ये हो गया हमारा कटआउट भी। अब हम बनाते हैं ये वाला फीचर्स, जो कि आपको दिख भी रहा होगा यहाँ पर। इसकी डायमेंशन है 28 mm का मेन डाया है, और 16 mm का कटआउट डाया है यहाँ से लेके 13 mm के डिस्टेंस पे है ये। अब मैं यहाँ पर करूँगा, यहाँ से लेके एक डायमीटर, एक प्लेन लूँगा जो कि यहाँ पर आएगा 70 के बाद हम यहाँ पर डालेंगे 13 mm, 70 का हाफ आ जाएगा। तो 70 का हाफ 35 प्लस 48 mm के हम यहाँ पे एक प्लेन ले लूँगा मैं यहाँ पर। प्लेन
डायरेक्शन फ्लिप दिस, और यहाँ पर डायमेंशन डालूँगा मैं 48 mm का। यहाँ पर एक डिस्टेंस पे प्लेन आ गया। अब मैं इसी पे स्केच करूँगा स्केच, और ये डायमेंशन 28 mm तक आ गई। इसकी मैं डायरेक्शन चेंज करके 28 mm का डायमीटर आ गया यहाँ पर, और ये 55 mm तक यहाँ पर आ रही है। ये इसकी डायमेंशन 86 mm इसकी बॉटम से है लेंथ, और यहाँ पर बनाऊँगा मैं 28 / 2 mm, और डायमेंशन इसकी आएगी यहाँ से बॉटम से 86 mm। फीचर्स एक्सट्रूड बॉस, और मैं यहाँ पर जाऊँगा अप टू द फेस, और इस फेस पे मैं क्लिक करूँगा, यहाँ तक चाहिए मुझे। ओके, ये देखिए ये हो गया। अब इसका कटआउट का डायमीटर है 16 mm, तो इसके लिए भी स्केच सेंटर मार्क एंड देन 16 / 2 8 mm। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड कर, ये मुझे थ्रो ऑल चाहिए। ओके, और इस पे लगा हुआ है 2 mm का शैम्फर 45 के डिग्री पर, तो फिलेट में जाके शैम्फर का ऑप्शन और एंगल 45 और डायमेंशन इसकी आ जाएगी 2 mm। और यहाँ पर इसके एच पे क्लिक करते हैं। ओके, 2 mm का शैम्फर लग गया। यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक रेडियस भी लगाया हुआ है। ये यहाँ पर आप गौर से देखिए, यहाँ पर एक रेडियस लगा हुआ है, आई थिंक 5 mm का ही रेडियस होगा, तो मैं यहाँ पर 5 mm का रेडियस लगाता हूँ। फिलेट 5 mm, सेलेक्ट दिस। ओके, अच्छा जी, ये यहाँ तक तो हो गया हमारा रेडी, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब यहाँ पर 4 holes हैं, जैसे आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, 8 mm के 4 holes हैं विद इन स्ट्रेट सेंटर से, और इसका डिस्टेंस यहाँ पर मेंशन है 25 mm बॉटम से, तो इसको बनाने के लिए मैं यहाँ पर सेंटर राइट एंगल राइट प्लेन पे ही स्केच करूँगा, और 8 mm का डायमीटर है, और 4 mm का रेडियस आ गया, और 25 mm के डिस्टेंस पे है यहाँ से। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड कट, और मैं यहाँ पर मिड प्लेन से दोनों तरफ ही कट आउट लग जाएगा। ओके, ये देखिए, इसी तरह मैं अब यहाँ फ्रंट प्लेन पे भी यही करूँगा, फ्रंट प्लेन सेंटर 4 mm रेडियस एंड देन स्केच 25 mm लेंथ, फीचर्स एक्सट्रूड कट, मिड प्लेन्स। ओके, ये आ गया हमारे 4 holes। सिर्फ एक जो रह गया है हमारा, जैसे आइसोमेट्रिक व्यू में भी आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक एक्सट्रूड हुआ हुआ है, जिसकी यहाँ पर लेंथ डायमेंशन बताई हुई है 8 mm यहाँ पर थिकनेस पे है, और 33 mm यहाँ पे ये एक्सट्रूड हुआ हुआ है,
और इसकी यहाँ से विड्थ भी बताई हुई 53 mm है, बॉटम से 55 mm के डिस्टेंस पे यहाँ पे प्लेन बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, और मुझे इस बॉटम से चाहिए 55 mm के डिस्टेंस पे प्लेन। ओके, अब मैं इसी प्लेन पे स्केचिंग, यहाँ पे चाहिए हमें लाइन की मदद से ही इसको बना लेते हैं। सबसे पहले ऊपर दिया हुआ है 53, तो मैं यहाँ पर डायमेंशन डालूँगा हाफ 53 / 2 mm। ओके, और इसकी लेंथ यहाँ से आ जाएगी सेंटर से 33 mm। यहाँ से आ जाएगी इसकी 33 mm लेंथ। ओके, तो यहाँ पर इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब मैं इसको दूसरी तरफ मिरर कर देता हूँ, मिरर दिस। अब मैं स्केच को क्लोज करता हूँ। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड बॉस, ये 8 mm है, 8 mm। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक इसकी डायमेंशन कहीं पर भी हमें मेंशन नहीं की हुई है, तो मैं 8 mm की ही इस पे बना लेता हूँ इसको। अच्छा जी, तो यहाँ पर हमने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, यहाँ पर 70 mm का जो हमने डाया रखा था 70 mm नहीं था, 66 mm था, तो मैंने यहाँ पर रिवॉल्व में जाके इसको यहाँ पर इसका डा जो डाया है वो 66 mm कर दिया है, तो यहाँ पर ये आ जाएगी। अब हम यहाँ पे शेप बनाते हैं जिसकी मैं रख रहा हूँ यहाँ पर भी 8 mm की ही, 8 by 8 mm का स्क्वायर बना लेते हैं। इसको सेंटर कर देता हूँ मैं 4 mm, और मैं आर्क की मदद से इसके सेंटर से 1 शेप बना दे इस तरह की। ओके, फीचर्स एक्सट्रूड बॉस, एट एम एम। ओके, हो गया। ये देखिए ये हो गया हमारा ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट नंबर 7 इज रेडी। एक दफ़ा ड्राइंग देख लेते, कुछ मिसिंग तो नहीं है। ये भी बन गया है, 5 mm के रेडियस भी लग गए हैं, 12 mm के रेडियस। ये देखिए, यहाँ पर हो गया हमारा प्रोजेक्ट नंबर 7 इज रेडी। तो इसको कलर दे देते हैं, अपेरेंस प्रोजेक्ट नंबर 7। ओके, कंट्रोल 7,
और कंट्रोल एस की मदद से मैं इसको सेव कर लेता हूँ। आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।